हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा ये, मैंने आपको बताया भी था, है ना। इसमें पीवाईक्यू के ईयर्स नहीं लिखे हुए हैं, बट ये पीवाईक्यूज ही हैं या उनसे मिलते जुलते हैं। अगर नहीं होंगे तो एक्चुअली आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि मैंने बुक बदल दी है ना। बट एटलीस्ट हम इसके काफी सारे लेसन करने वाले हैं, थर्म तो लेवल देख के निकल पता लगा लेंगे। हाँ देख लेना आप पीवाईक्यू कितने कैसे हैं। एक्चुअली मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ कि ये पीवाईक्यू है कि नहीं, क्योंकि इस पे हम लिखा नहीं क्वेश्चन हुआ का कहीं। लेवल देख के पता लगा लेंगे ना। हाँ वैसा देख सकते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी से रिगार्ड में आइडेंटिफाइड कीजिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो बताइए भाई इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। पहली है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव। दूसरी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर परफेक्टली क्रिस्टलाइन की एंट्रोपी जो है वो टेकन एज जीरो। तीसरी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो। ये दोनों डी और सी दोनों सर बी सर सी बी और सी दोनों सर, एक जैसे फिर सी सर, सी सर क्योंकि ऑल लिखा है ना उसपे। ऑल क्रिस्टलाइन परफेक्टली क्रिस्टलाइन ठीक है, और जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो। जीरो डिग्री सेल्सियस घंटा जीरो डिग्री पर कौन एंट्रोपी जीरो होती है। एंट्रोपी होता क्या, क्या समझते हो तुम लोग एंट्रोपी से। रैंडमनेस एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, मेरे को ये भी बता दो सर। जीरो सर जहाँ हर चीज रुक जाए, सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ रुक जाए। डिग्री सेल्सियस में बोले तो डिग्री सेल्सियस है ना, उसपे एंट्रोपी जो होती है वो सभी सब्सटेंसेस की जीरो मानी जाती है। पर क्या सच में जीरो होती है? नहीं सर, सच में तो सर अब जरा ध्यान देना, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कुछ सब्सटेंसेस की एंट्रोपी जो है वो जीरो केल्विन पर भी जीरो नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता हो, कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है। अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो घंटा एंट्रोपी जीरो होने वाली नहीं होती। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, यस सर। अब बताओ बी और सी में से कौन सा है। एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर एग्जिस्ट करता है वैसे? बिल्कुल करता है बेटा, बहुत ज्यादा करता है, मतलब सारे ब्रह्मांड में वही तो फैला पड़ा है। टेम्परेचर कितना है यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेटली? सर एक बूमरैंग नेबुला पड़ा था, उसमें होता है 0 केल्विन, 1 और 2 केल्विन के आसपास होता है यूनिवर्स का टेम्परेचर। लेकिन वो भी जहां तक साइंटिस्टों की पहुंच है, वरना क्या होता है, जीरो ही होगा। जहां कुछ नहीं है वहां जीरो है, बात खत्म। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ठंडा होता होगा वो एक हिसाब से। सब कुछ जीरो मतलब बहुत ज्यादा क्या, हम लोग तो उस पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम लोग तो जैसे हमारे अंदर पानी भरा पड़ा तो सर हम तो माइनस 15 पे जम जाएंगे। और बर्फ में जैसे मेरा नोज है ना, इसको ऐसे पड़क से तोड़ के और खा सकते हो अगर हम सर क्या सर जब हम जाएंगे वहां पे तो हम भी जम जाएंगे, तो खाने की तो बात ही अलग है। ये बात भी सही है ना, मतलब एक इमेजिनेशन है। अगर आप लोग अच्छा थोड़ा वो कर लेते हैं, अपने आप को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर ऐसा पड़क से टूटेगा, कांच की तरह टूटेगा सब कुछ, है ना। तोड़ने में जोर लगे तो बताओ हम लोग तोड़ भी पाएंगे उस टेम्परेचर पे? हाँ तोड़ तो सकते हो, हथौड़ा सर नहीं, मतलब उतनी ठंडी रहेगी तो हमारे हाथ मतलब चलना बंद नहीं, मतलब -40 -50 तक जो सोल्जर्स हैं वो ड्यूटी करते हैं बेटा, लेकिन -273 जीरो ली जाती है। यहाँ पर इसने बोला क्या, क्या एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन की जीरो होती है। ऑल क्रिस्टलाइन, देखो फर्क, परफेक्टली क्रिस्टलाइन और ये बोल रहा है ऑल क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन ही नहीं होते। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस।
तो ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, और पहला तो हो ही नहीं सकता और चौथा तो मतलब ही नहीं बनता, समझ गए? ऐसे कौन से होते हैं जिनकी जीरो नहीं होती, पर मतलब जो परफेक्ट नहीं होते? वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होते एक्चुअली। परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? परफेक्ट, देखो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड नहीं पड़ेगा, पड़े हैं सर, वो उनको क्रिस्टलाइन नहीं बोलोगे, डिफेक्ट, डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें वो चला जाता है, एक के संग दो चले जाते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, पढ़े थे, इंप्योरिटी डिफेक्ट, वो सारे क्या हैं? तो भाई क्योंकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में भी क्या होता है, डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज व्हाई वो क्रिस्टलाइन होते हुए भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन तो नहीं होते, समझ गए परफेक्ट का मतलब? अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं है क्योंकि उसमें डिफेक्ट हो सकता है, तो फिर उसकी एंट्रोपी जीरो कैसे हो सकती है, क्योंकि परफेक्टली ही जीरो होती है, समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, ये चीजें पता और तो कुछ नहीं करती, आपकी थ्योरी को थोड़ा मजबूत बना देती है ऐसी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, या फिर क्या बोलो, कंबशन ऑफ गैसेस, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन, या फिर सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, फिर जीरो। सॉरी, किसी ने कुछ बोला था, किसने बोला था अभी आंसर? अमन ने, अमन यस सर, क्या बोला था सर? बी, प्रणव इज सेइंग बी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस कार्बन। प्रणव बेटा, पहली बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है सब्सटेंसेस की? सर ए पे, कार्बन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है? फॉर्मेशन की। मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, इस पे दिमाग लगाओ, ये डीप लेवल की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं? जब कोई स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, O2 को O2 की फॉर्म में लेते हैं, जीरो होती है ना वो तो, हाँ, लेकिन वो स्टैंडर्ड का मतलब क्या, वो गैसेस में होगा, लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, और कौन सा होगा? ग्रेफाइट सर, कार्बन, कार्बन जैसे सॉलिड में होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, प्योर फॉर्म है ना? यस सर, डायमंड भी तो है, दोनों में से किसको स्टैंडर्डाइज माना गया है? सर ग्रेफाइट को, ये पता होना चाहिए। फिर उसको सॉलिड में माना गया कि गैस में माना गया, ये पता होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, समझ में आया? अब सोचो, फाइंड करो, और फिर से ना सभी सभी बच्चे एक बार स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन देखिए, नेट से ढूंढिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए और कौन कौन से सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, ये भी फाइंड करो, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से मनन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रणव ने गलत आंसर बताया, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, ठीक है, टेक योर टाइम।
हाँ भाई किसी को मिला? ए, सभी ए कह रहे हैं ना। मुझे डेफिनेशन बताइए जरा ध्यान से, डेफिनेशन। डेफिनेशन अभी बुक से पढ़ी है, पुरानी वाली से। बुक से पढ़ी है, ठीक है तो बताइए। सर इसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो है जो जितना चेंज आया एंथैल्पी में एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, और इसको स्टैंडर्ड शीट पे कैलकुलेट करते हैं जैसे O2 गैस, कार्बन ग्रेफाइट में और सल्फर का रोम्बिक में। हाँ वही 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 चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट किसको क्या माना गया। तो भाई कार्बन को ग्रेफाइट की फॉर्म में माना, ग्रेफाइट को सॉलिड फॉर्म में माना गया है ना। यस सर, तो आंसर ये होना चाहिए। यस प्रणव बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। बाकी स्टूडेंट कंपाउंड के लिए होता है ना। क्या बेटा? ये जो एंथैल्पी है वन मोल ऑफ कंपाउंड के लिए जो स्टेबल स्टेट में बनता है। हाँ मोलर एंथैल्पी निकाल रहे हैं वन मोल के लिए, ऑब्वियसली है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको ना। आसान क्वेश्चन था लेकिन ये चीजें बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर मोर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट रेफर टू द सेम केमिकल इक्वेशन सो आर इक्वल। तो इक्वल है, ये क्या था भाई क्वेश्चन? क्या था? इक्वल टू, ठीक है। अच्छा ए इज द राइट ऑप्शन है ना, ये इक्वल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रेफाइट को तो कितना माना जाता है, फॉर्मेशन भी उतना ही होगा और ग्रेफाइट को तो हम जीरो मानते, तो ऑब्वियस है। तो ये अपने आप फॉर्मेशन की एंथैल्पी इक्वल ही आएगी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन के, क्योंकि कंबशन और फॉर्मेशन यहाँ बराबर हो रहा है। कैसे? देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो आप इसको कंबशन मान रहे हो क्योंकि आग लग रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मेशन मानो तो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी तो ऐसे ही हो रहा है, बात तो एक ही है, फॉर्मेशन भी तो इसी में हो रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर, ये दोनों इसलिए इक्वल है दोनों रिएक्शन में, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एंट्रोपी, इट इज नॉट एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा किसका है एंट्रोपी चेंज? कैसे चेक करते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ। फॉर्म देख लेते हैं ना, अगर जैसे एक्यूशियस से सॉलिड बनी है एंट्रोपी तो कमी होगी ना फिर तो। हाँ फॉर्म देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है, सॉलिड से गैस बन रहा है एंट्रोपी और भी ज्यादा बढ़ रही है, लिक्विड से गैस बन रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है, उल्टा हो रहा था एंट्रोपी कम हो रही है। इसने बोला ग्रेटर देन जीरो मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव कब होगी? तो पहली इक्वेशन को सोल्व करके मुझे बताइए, पहली इक्वेशन में एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलिए। बैलेंस को, बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, समझ में आ रही है बात? बैलेंस्ड है सर, बैलेंस्ड है सर, पहली वाली बैलेंस्ड है सर, बैलेंस्ड है, अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो कर लो, सीधी बात है। डी वाले की होगी शायद, डी वाले की होगी शायद, चलो भाई शायद डी वाला, शायद में तो ठीक है। सर सी सर, सी वाला सर, सी कोई बात नहीं सर, सी में प्रोडक्ट भी तो दो बन रहे हैं ना। मेरी बात सर एक्वेसिट सर, सी बात सुन लो, रीजनिंग भी मुझे बतानी है सर। ठीक है मैं बताऊं इस बार? हाँ बोलो सर। इसमें ना सी वाला मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट दो बन रहे हैं और मतलब सॉलिड से एक्यूशियस फॉर्म में जा रहा है ये, और इस पहली वाली में जो ए वाला है वो इसलिए नहीं, मतलब अभी थोड़ा कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि सॉलिड दो, पहले तो दो मोल मिलकर एक मोल बना रहे हैं और वो भी गैसियस स्टेट में, जबकि एक रिएक्टेंट पहले से गैसियस स्टेट में है। हाँ किसी को समझ आया भाई? यस सर। तो अब बाकी के बच्चे बताओ कौन सा, सबको कौन सा लगता है? सी सर, सी सी लग रहा है। और बाकी के बच्चे ए क्यों नहीं है? एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड था, एक मोल ही CaCO3 और वो भी गैसियस बता रहा है सर। ए वाले ऑप्शन में ना मोल साइड में, मेरी बात सुनो, वैसे सॉलिड को नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ सॉलिड तो नेगलेक्ट हो जाएगा, दोनों गैस हैं तो एंट्रोपी में कोई चेंज आने वाला क्योंकि नंबर ऑफ मोल वन ही है ना, जीरो रहेगी। हालांकि इन्होंने बहुत गलत लिखा है, CaCO3 हमेशा सॉलिड होता है, वो गैस नहीं होने वाला है ना, गलत उसे भी जलाया है लग रहा है, बट उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर तो ये चीज एग्जिस्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। NaCl है
एक्वस से सॉलिड बन रहा है, उल्टा कर दिया इसने, डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, डिग्री माइनस में आ गया, NaNO3 सॉलिड था वो एक्वस बन गया, एंट्रोपी बढ़ गई थी, है ना, सॉलिड से ठीक है, पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0। N2H2 दोनों गैस हैं, अमोनिया बन रहा है गैस फॉर्म में, वो नंबर ऑफ मोल अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टोटल कितने, चार, एक नाइट्रोजन का, तीन हाइड्रोजन के, और उधर अमोनिया कितने बन रहे, दो मोल, उधर चार है इधर दो मोल, एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, डिक्रीज, सर अब डिक्रीज होगी, हाँ भाई ये डी वाला ऑप्शन सबको समझ में आया कि एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है, यस ठीक है, तो यानी राइट ऑप्शन होगा सी, दैट्स इट, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, सीधी बात ये है ना, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन सी, सर ये PYQs ही है सर पक्का, क्योंकि एक ऐसा 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 ही क्वेश्चन टेस्ट में भी आया सर, आया था, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक इट, क्वेश्चन नंबर 24, द नेट वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन एज, ये ग्राफ दे रखा आप लोगों को, है ना, माइनस थ्री पी क्यू और सॉरी पी वाई पी पी वी सॉरी पी वी अकेला पी वी थ्री पी वी और जीरो, ठीक है सर, एक सेकंड बस कर लेते, हाँ आराम से कीजिए कोई बात नहीं है, वाई की वैल्यू फोर पी और थ्री वी बता रखा है वहां पे, और जेड की वैल्यू पी और थ्री वी है, और एक्स की वैल्यू पी वी है सर, बी, मुझे रीजनिंग भी चाहिए सर, वो साइक्लिक है और इसका एरिया तीन है, इसका एरिया तीन है, इस ट्रायंगल का एरिया तीन है, ट्रायंगल का एरिया तीन है, यस सर तीन ही है सर, एरिया कैसे निकाला आप लोगों ने सर, हाफ बेस इनटू हाफ, ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया, कौन सा सर, बी है, ट्रायंगल का फार्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा है यही पूछ रहा हूँ सर, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस किसको माना, टू हो जाएगा बेस, जो वी वाला है ना, मतलब टू वी को बेस मान लिया और थ्री पी को हाइट, टू वी को, टू वी कहाँ पर है यहाँ पे सर, लेकिन सर वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन, यस सर, यस सर, तो ऑप्शन बी पे ताला लगाना है सर, एक्स वाई की जो लेंथ है वो 2 है और वाई जेड की 3 है, एक्स वाई एक्स वन निकाले तो लेंथ आ गई, एक्स वाई की लेंथ 2 आई, ठीक है, एक्स जेड की 2 है और वाई जेड की 3, ठीक है, यस, तो इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड ऑफ करके सबको समझ में आ गया भाई ये कहां से लेंथ निकाल, यस सर, चलो मैथ के स्टूडेंट हो आपको आ जाएगा ना, ठीक है, तो उससे उससे तो क्या वर्क डन कैसे निकाला, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यस सर, तो कितना आया, 3 पीवी आएगा, तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, सर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव है, अच्छा ये क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए पॉजिटिव है, यस सर, ठीक है, लेट्स सी द आंसर, सर मुझे लग रहा था माइनस थ्री पीवी होगा क्योंकि केमिस्ट्री में हम उल्टा वो लेते हैं साइन कन्वेंशन, सीधा लेते हैं, उल्टा हो गया थोड़ा, केमिस्ट्री में सीधा लेते हैं, हाँ सर मतलब नेट एरिया हाफ, तो कितना आएगा W इक्वल नेगेटिव, ऑलरेडी पहले से नेगेटिव लेके चल रहा है क्या, 4p माइनस p तो ये तो 3p आएगा और v माइनस ये 2p आएगा, तो तीन दूना छ, तीन आ गया माइनस का, भाई नेगेटिव वर्क डन आएगा, सीधी बात है, ये नेगेटिव उसने स्पेशली लगा रखा है, ये सर तो क्लॉकवाइज को शायद नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज मतलब हम कर रहे हैं काम, नेगेटिव का मतलब होता है हमारे ऊपर वर्क डन हो रहा है, ठीक है सर, इसमें वर्क फायदा गैस है ना, तो इसलिए नेगेटिव होगा, द वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन एज, आइडियल गैस के लिए वर्क डन गिवन है, या तो बाय द गैस तो इसने लिखा ही नहीं है, नहीं सर वो एरिया से पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो एक्स वाई वाली लाइन है वो ऊपर है तो उसका एरिया ज्यादा होगा, इस वजह से एक्स वाई का एरिया वो बाय द गैस है इसलिए वो बच जाएगा, इसलिए बाय द गैस होगा टोटल वर्क डन, एक्स वाई से कैसे पता लगेगा सर, ये अलग दुनिया में चल रहे हो सर, मतलब प्रेशर बढ़ा, मतलब एक में प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा है ना गैस का,
तो वर्क डन हुआ है गैस के द्वारा और बाद में यस सर प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ कम नहीं हुआ प्रेशर भी बढ़ा वो भी बढ़ा है सर दोनों बढ़ा है प्रेशर भी बढ़ गया वॉल्यूम भी बढ़ गया ठीक है तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है ना हमें पता वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब गैस क्या कर रही है वर्क डन कर रही है गैस हमारे ऊपर वर्क डन कर रही है इसका मतलब वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव समझ में आया भाई दैट इज द कोर ऑफ द मीन तो यहाँ पर ये ध्यान रखना इससे अंदाजा लगाएंगे प्रेशर बढ़ा तो वो तो उल्टा कर देगा बट वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई प्रेशर भले ही बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस इसका मतलब सिस्टम पे काम कर रही है सिस्टम तो हम हो गए हमारे ऊपर कोई काम करेगा हमें कुछ मिल रहा है नेगेटिव केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझ में आ गया सबको यस सर यस सर ठीक है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेक्ट स्टेटमेंट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए Entropy of the system always increases, free energy of the system always increases, total entropy of the system always negative, total entropy of the system, entropy change is always negative. कौन सा? A ये तो. A. क्या? A. A. Entropy जो है, system की हमेशा increase होती है, spontaneous process. D A D. Sir D positive. Entropy को आप समझ ही नहीं रहे इसका मतलब. D. बी में क्या कहता है फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रो वो तो नहीं नेगेटिव होता है नहीं सर नेगेटिव होता है नेगेटिव होगा तो कोई चीज स्पॉन्टेनियस होगी ज्यादा नेगेटिव हो ज्यादा स्टेबल नहीं वो तो डिक्रीज होनी चाहिए तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ए ऑप्शन एंट्रोपी को आप जानते ही ना एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें गैस बनती है सॉलिड से इसका मतलब उनकी एंट्रोपी बढ़ रही है बट वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है समझ में आ रही बात सर वो तो डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा ना एंट्रोपी से कैसे बताएंगे हां डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा ऑब्वियस है टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव डी सर डी मान लेंगे यानी टोटल एंट्रोपी का जो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है मतलब एंट्रोपी टोटल कुल मिलाकर एंट्रोपी बढ़ेगी सिस्टम में यस फिर ऊपर जो लिखा हुआ है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस तो ए भी तो सही है सर सर डी में यूनिवर्स कभी कभार जीरो हो गई तो तब तो इंक्रीज नहीं करेगी ना अगर एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो तो फिर पॉजिटिव भी तो नहीं होगा पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव सही बात है नहीं सर जीरो पॉजिटिव कहां होता है अरे मतलब जीरो मैथ में नहीं मानते केमिस्ट्री में तो मानते हैं कुछ नहीं मानते जीरो को तो लेकिन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर ही काउंट होता है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है ना सर ठीक है बताओ भी फिर डी सारे बच्चे डी कह रहे हैं वरुण सुनैना सैयद पुष्पा पुष्पा नहीं क्या नाम बेटा दीपिका है ना दीपिका नाम है ना बेटा आपका यस सर ठीक है अमन सुनैना देखो मैं 10 दिन में नाम भी भूल गया हूं वैसे याद है बट कंफर्म कर रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो भाई एंट्रोपी क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन जीरो ये जीरो से ज्यादा होना चाहिए यस सर ठीक है मेरा आंसर डी इज द राइट ऑप्शन नो वरी अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन चलिए तो एक क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी शायद पानी का हवा में उड़ रहा है लिक्विड टाउलिन लिक्विड वेपराइजेशन की एंट्रोपी मैक्सिमम किसकी होगी डाइथाइल ईथर की एसीटोन की कैसे निकाल रहे हो मेरे को लॉजिक भी चाहिए ऐसे तुक्के मत मारना सर वाटर की होगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं नहीं रुक जा सर एसीटोन मतलब में अगर हम सी मतलब प्रोडक्ट बना के देखे केमिकल रिएक्शन में तो देख सकते हो मैंने कोई मना नहीं किया ऐसे सोच सकते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी एंट्रोपी सर ज्यादा होगी ना यार कम क्यों होगी ज्यादा ही बोल रहा हूँ सर ऐसे लगता है हाँ ज्यादा होगी वो सही बोल रहा कौन बोल रहा वरुण कौन बोल रहा था प्रकाश आकाश ठीक है बेटा ठीक है हाँ वो सही बोल रहा है आकाश सही बोल रहा है अब यहाँ से अंदाजा लगो तो टॉलिन होगा सबसे ज्यादा वोलेटाइल वोलेटाइल टॉलिन होगा क्यों टॉलिन देखा आप लोगों ने कभी
सर वैंडरवाल हो जाएगा ना, साइड में फाइव का बना वैंडरवाल होता, मोलर मास निकालना टाउलिन का, भगतो अच्छा रुको 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 मोलर मास ज्यादा होता तो फिर वजन ज्यादा हो जाएगा पत्थर सर, एसीटोन क्या होता है मोलर मास निकालना एसीटोन का और वाटर से कंपेयर करना, अब भी ज्यादा है सर, लाइन पकड़ ली हमने तो, बोले यही सही है, एक चीज और मायने रखती है क्या कि एसीटोन का ले अभी अमन सही कर रहा है, क्या कर रहा है सर, 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट किसका, एसीटोन का, चेक किया गया, देखो डाइथाइल ईथर और एसीटोन दोनों का मोलर मास बराबर सा, इन दोनों को चेक करो, टाउलिन का मोलर मास तो ज्यादा ही होगा लग रहा है सर, ईथर में कार्बन एक्स्ट्रा पड़ा है, ईथर में कार्बन एक्स्ट्रा, यस सर, डाइथाइल है ना और एसीटोन में तीन ही होंगे, हां सही है, डाइथाइल में तो 6 हो गए, 4 हो गए सॉरी, ठीक है, और वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बट वंडरवाल फोर्स वो क्या बोलते हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन, सबके बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, चलो अच्छा तरीका ये है, इज नॉट दिस सर, लेकिन हमें थोड़ी पता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर भूल गए तो, अरे भूल गए वो अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक दे रहा हूं ना, बाद में तो याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा सर, एसीटोन वोलेटाइल भी तो होता शायद, सॉल्यूशन चैप्टर में किया था इसके क्वेश्चन, एसीटोन वोलेटाइल होता है एसीटोन, हाँ उड़ता हवा में बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर तो डाइथाइल का उससे भी कम है, उससे भी कम है, 34 है, व्हाट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, चलो मेरे को ये बताओ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, पहले तो ये बताओ सर, वेपर्स बनाने के लिए कितना मतलब वो लगेगा एंट्रोपी, एनर्जी पर मोल चेंज होगी, हां चेंज इन एंट्रोपी पर मोल है ना, पर डिग्री सेल्सियस ऐसा, चलो ठीक है आंसर देखते हैं है ना, आंसर थोड़ा घुमा देगा आप लोगों को, अब बताओ क्या विचार, देखना था यहाँ पे विचार क्या है ये देखो, ध्यान से देखो, कुछ और भी दे रखा है, मैक्सिमम एंट्रोपी वाटर की उतार रखी, क्यों कैसे, लीस्ट वोलेटाइल, मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि जबकि तो इजीली हो जाएगा ना फिर तो वेपराइज, क्या हो जाएगा, देखो लीस्ट वोलेटाइल इज वाटर, वाटर सबसे कम वोलेटाइल, हवा में नहीं उड़ेगा वो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, hence the maximum heat required to vaporize is, उल्टा करना था, जिसका boiling point ज्यादा है उसकी entropy ज्यादा होगी, entropy of vaporization, समझ में आया, yes sir, यानी enthalpy divided by temperature, enthalpy by temperature पता ही हो तो, heat by temperature होता है, Q by T, इन्होंने enthalpy दे दिया, बात एक ही है, constant pressure पर जो heat supply होती है वो enthalpy होती है, पता है ये तो सबको, एंथैल्पी बहुत मत्था मारा था मैंने, ठीक है, और एंट्रोपी और डेल्टा ऐसा आ गया, तो इसलिए हमें ज्यादा वाला देखना था, उसकी एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम एंट्रोपी हो जाएगी, क्लियर है, यस सर, उसको ध्यान रखना, ठीक है, मत्था मारने का मतलब ये आप लोगों को मौका दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, मीथेन को जलाएंगे एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एक्सो एक्सो, हीट निकलती है ना मीथेन से, डीकंपोजिशन ऑफ पानी, पानी का डीकंपोज करेंगे, एंडोथर्मिक है, एंडो है ये तो है ना, यस सर, नेक्स्ट वाला डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, नहीं नहीं ऑफ इथेन और इथाइलिन, एक इथेन और इथाइलिन दोनों अलग अलग है ना, इसको डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन एंडोथर्मिक होती है एक्सोथर्मिक होती है, हमने पढ़ा था ये 11th में पढ़ाया था मैंने, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा मेरे से, डीहाइड्रोजिनेशन इज ऑलवेज व्हाट, एंडोथर्मिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर पीवाईक्यू आते हैं, ढूंढो नेट पे क्या होता है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तुक्का नहीं चाहिए मुझे,
ढूंढो, खुद ढूंढो, जब क्वेश्चन ढूंढोगे ना याद ज्यादा होते हैं पता है। और नोट कर लेना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेन या इथाइलीन जो है, हमेशा डिहाइड्रेशन किसी का भी कर रहे हो, हाइड्रोजन हटा रहे हो, डबल बॉन्ड बना रहे हो, वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, ये देख लो बस। हाइड्रोजिनेशन ढूंढ लो, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं ढूंढ रहे, हाइड्रोजिनेशन इज ऑलवेज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता अपनी जेब से, है ना। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होता है, डीहाइड्रोजनेशन एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होता है, जब हम हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, हमेशा हमें एनर्जी मिलती है। ये समझ में आ गया सबको? पर ये किसी भी कंपाउंड के लिए है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के लिए, हाँ हाइड्रोकार्बन्स, ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन, आप किसी और में मत लगा देना इसे। समझ में आ गया? Yes, तो डीहाइड्रोजनेशन क्या होगा, एंडोथर्मिक, उसने क्या पूछा, एंडोथर्मिक ही तो पूछा, नॉट एंडोथर्मिक, कौन सी एंडोथर्मिक नहीं है, तो भाई ये तो एंडोथर्मिक है, ये तो नहीं, वो तो पहले ही मिल गया था आंसर, फिर तो कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन एंडोथर्मिक नहीं है, पता है आंसर, लेकिन फिर भी बाकी के फैक्ट पढ़ते हो, कुछ और क्वेश्चन क्लियर होते हैं बेटा। डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, ये भी एंडोथर्मिक, ये तो एंडोथर्मिक है, है ना, नॉट एंडोथर्मिक मतलब गलत हो गया, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ये भी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है ना। अब पता है आपको 2.5, इफ आई हैव आई एम करेक्ट, अगर मुझे सही डाटा याद है, 2.5 जूल है, पता नहीं किलो जूल, अब ये भी मुझे ध्यान नहीं है, पर मोल शायद किलो जूल ही है, पर मोल लगभग ढाई, ढाई है या 2.1 है, 3 है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड एक्चुअली, इतना जूल एनर्जी चाहिए है ग्रेफाइट को, एक मोल ग्रेफाइट को डायमंड में बदलने के लिए, बस इतनी सी बात है, इतनी सी, इतनी एनर्जी दे दो डायमंड बन गया, समझ में आया, कितना आसान है ये, बट एनर्जी दी कैसे जाए ये बहुत डिपेंड करता है, इसलिए हम डायमंड बना नहीं पा रहे, वरना अपने पास कोयला तो बहुत है, कोयले को प्योर आर्टिफिशियल डायमंड बनते तो है, मतलब कुछ कुछ बनते हैं, लेकिन वो वैसे कभी नहीं होते, और पता है कैसे बनते हैं, बहुत बड़ी हाइड्रो लिक्विड वाली जो हाइड्रो प्रेस प्रेशर मशीनें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी, लगभग ये लगा लीजिए कि कोई जैसे 100 गज का एक मकान हो, उतनी बड़ी प्रेशर, और वो उतना बड़ा बहुत मोटा लोहा, और वो पॉइंट आउट कहाँ कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं छोटी सी जगह पर, बिल्कुल छोटी सुई की नोक जितनी सी जगह, मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा लगा लो, उस जगह पर पॉइंट आउट कर रहा है सारा प्रेशर, लोहे का कोई इतना बड़ा घर है, और वो एक पॉइंट पर प्रेशर को पॉइंट आउट करो, वहां पर ग्रेफाइट को रखा जाता है, अलग अलग कंडीशन दी जाती है, और उसके बाद उसको कम से कम 3 दिन से 7 दिन तक रखा जाता है, तब जाके एक आर्टिफिशियल वो बनता है, और वो भी छोटा सा हीरा बनेगा, छोटा सा डायमंड, बड़ा नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं, और फिर उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, तो एक अच्छा जौहरी जो होता है ना, वो बता देता है कि ये आर्टिफिशियल है और ये ओरिजिनल है, डिफरेंस होता है ओरिजिनल और आर्टिफिशियल में, कुछ भी कर लो, चमक से ही पता चल जाता है एक तो, किससे, हाँ वो एक अलग चीज है, चमक तो बाद में बहुत कुछ आ गया आजकल, पता भी नहीं लगेगा खैर, लेकिन डिफरेंस होता है बेटा, ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल, ठीक है। किसी को लड़कियां लड़के जो मेकअप करते हैं, लड़के भी मेकअप करते हैं, मेकअप के बाद में शक्ल अलग दिखाई देती है, मेकअप से पहले अलग है, ओरिजिनल फूलों से ही खुशबू आया करती है, ठीक है, आर्टिफिशियल फूलों से कभी खुशबू नहीं आती है, तो मेकअप उसमें भी कुछ लोग उसमें भी परफ्यूम डाल के खुशबू लाने की कोशिश करेंगे तो वही कह रहा हूँ, उसको पहचानना कितनी देर रहेगी वो खुशबू, है ना, लेकिन ओरिजिनल इसके पास बम फोड़ दे तो क्या, इसके पास बम फोड़ दे, कोई एटम बम टाइप बन जाएगा डायमंड, अब डिपेंड करेगा वो कंडीशनें मिल रही है कि नहीं उसे, है ना। कौन से प्लेनेट पे डायमंड की बारिश होती है, हाँ एक प्लेनेट है हमारे पास, प्रणव सही कह रहा, मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी याद, सर मैंने भी सुना है, उस पे होती है प्लेनेट पे बारिश, है ना, वहाँ चलते हैं, वहाँ से डायमंड ले आते हैं यहाँ तक, है ना, यस सर, सर लेकिन हम जिएंगे थोड़ी वहाँ पे, अगर इतने सारे डायमंड होते हैं, अपन थोड़ा जाएंगे, रोबोट भेज देंगे, और फिर कैमरे से देख देख के रोबोट पिक करने वाले, कपड़ा पकड़ के भर के बैग और ले आएंगे वापस, है ना सर, 15-20 भी आ जाए तब भी बहुत है सर, वहाँ पे कितना हार्ज कंडीशन होगा, प्रेशर कितना होगा, अजय बोल रहा है वीनस है, मतलब बृहस्पति ग्रह पर, 2-4 लेके आने भाई, ठीक है बेटा, सबके हमने बुक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है सर, इस पे तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात, अगर मेरे लिए लाओगे तो फिर 200-300 लाना। कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, नेगेटिव एंथैल्पी। हां इन्होंने ये बता रखा है, तो कंबशन जो है वो एक्सोथर्मिक है ऑब्वियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, ठीक है ले आएंगे डायमंड कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचने का कुछ करते हैं जुगाड़ है ना। विनस सर शुक्र को, अच्छा शुक्र को कहते हैं क्या, तो ये बृहस्पति कौन सा होता है यार? जुपिटर। जुपिटर यस, ये इंग्लिश के नाम ना कई दिनों बाद सुनते हैं दिमाग घूम जाता है। अच्छा शुक्र ग्रह पर हो रही है क्या? ठीक है आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये ज्योतिष लोग होते हैं, ये लोग ज्योतिष में शुक्र ग्रह को ब्यूटी का वो मानते हैं ग्रह। yes, जिसका शुक्र अच्छा हो वो परफ्यूम लगाता मिलेगा, परफ्यूम लगाने से शुक्र ग्रह सुधरता है ऐसा कहा जाता है। इत्र, ये क्या लॉजिक पता नहीं क्या है, और वो लोग ब्यूटीफुल होते हैं जिनका शुक्र अच्छा होता है ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं सर, हमारा बिल्कुल नहीं है सर, इसके पीछे ही कहानी। सुधारो ना, नहाया धोया करो, शुक्र ग्रह सुधर। सर रोज नहाते हैं सर, रोज नहाते हैं सर, शक्ल ही ऐसी है, कुछ भगवान ने ऐसी दी थी। कोई बात नहीं बेटा, जैसी भी शक्ल, लेकिन नहा धो के साफ सुथरे रहने से शुक्र ग्रह अच्छा होता है। मतलब सीधी सी बात है, शुक्र ग्रह अच्छा हो ना हो लेकिन बीमारियां नहीं लगती, बीमारियां नहीं लगेगी, शरीर अच्छा रहेगा, लंबे चलोगे, डेफिनेटली बेटर होगा। ठीक है, सल्फर बहुत ज्यादा है इसलिए सांस नहीं ले सकते हैं। अपन लोग जब वहां जाएंगे जुपिटर पर, कोई बात नहीं ठीक है, शुक्र पर, तो एक सिलेंडर ले जाएंगे ना ऑक्सीजन का। जुपिटर तो पूरा गैस का गोला है। जुपिटर ओनली गैस का गोला है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठ कौन बोल रहा है? वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, ये झूठ है, यही झूठ है यार, पाथ फंक्शन होता है वर्क, यही झूठ, पहला ही आ गया आंसर है ना, आसान था। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल है। चेंज ऑफ स्टेट इज कंप्लीटली डेंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। अब इस लाइन का मतलब बता दो मेरे को, बाकी तो पता नहीं, ऑप्शन तो गलत ही होगा, पता ही है एक ही ऑप्शन सही है पहले वाला। वर्क अपीयर सही तो है, वो गलत है, ये भी गलत है। बाउंड्री पर वर्क थोड़ा होता, वर्क का तो वो होता है ना पूरा एरिया। यस सर, बाउंड्री पर वर्क होता है ऑफ द सॉल्यूशन की, बाउंड्री के ऊपर वर्क होता है। नोट, तो भाई मेरे को सी का मीनिंग बताइए आप लोग। वो डिपेंडिंग होगा ना डेंड की, बताइए क्या होगा, डिपेंड होगा। Change of state is completely depend when initial and final state are specified. Initial और final state को specify करते हैं तो change उस पर ही completely depend करता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। A right option है, सीधी सी बात है। चलो जो भी है बेटा, लेकिन A right option है, सीधी सी बात ही है, ठीक है। देखें statement A is false as work is path function. Work path function होता है, statement A जो है वो false है। अगला question देखिए भाई, स्टैंडर्ड मोलर, पहले वाले ही आ गए, ये ऑप्शन बदल दिया ना, सर डी को ए कर दिया और ए को डी कर दिया। अरे करके लिख दिया ऑप्शन, गलत कर रखा है ना, धोखा हमारे साथ, धोखा हो रहा है। ठीक है चलो, ए को डी करा है और डी को ए सर, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्त कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 30 भाई। आज मैंने आसान सा सेशन बनाया था, ठीक है इतने ही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन निकला है गलत। चलो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन देखेंगे, आंसर भी तो देखेंगे इसका, है ना सर। गलत थोड़ी है, ये रिपीटेड है। हाँ वही वही रिपीटेड है, मतलब हाँ ग्रेफाइट से कार्बन, इसमें इन्होंने इक्वेशन भी दिखा रखी, उसमें इक्वेशन भी नहीं दिखा रखी थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आप लोगों का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा डाउन है ना इस एंट्रोपी और इसके मामले में। yes. तो आज देखो क्वेश्चन आसान थे, कोई बात नहीं, बट कहीं कहीं आपने थ्योरी भी सीखी होगी, नो वरी। अब आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को सही करना है, ठीक है। तो आज ये कीजिए कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को सही कीजिए, थोड़ा सा थर्मो का थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, और साथ में फॉर्मूले भी याद कर लो, क्योंकि कल हम फिर से PYQ लगाने वाले, क्वेश्चंस आंसर्स के हिसाब से, ठीक है। ओके सर,
सारे क्वेश्चन एक ही हो जाएं तो हमें वाह, ये अमन समझ नहीं आया आपकी बात क्या कर रहे हो। हाँ फिर होना ही है, तो सारे क्वेश्चन एक ही हो जाएं तो हमें आते हो। ऐसे जेई में देखो, इनमें से कोई कोई क्वेश्चन जेई में आता होता है पीवाईक्यू के फॉर्म में, आप देख सकते हैं आसान भी होते हैं पीवाईक्यू में, मुश्किल भी होते हैं। हम हमेशा दो तीन क्वेश्चन मुश्किल देख ले तो पूरा क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है, अगर सारे क्वेश्चन आसान हो तो हमें आसान लगता है, याद रखना। हमें वो दो तीन क्वेश्चन नहीं उठाने होते है ना, ये याद रखना। हमें कुछ छोड़ना भी होता है तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर्स। अब आप लोगों को एक और काम देता हूं मैं, ठीक है? देखो संडे को टेस्ट हुआ था आप लोगों का? यस सर, यस सर। ऑर्गेनिक कम आई थी, ठीक है, रिपीट की बात बोल। तो अगर जो टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट के क्वेश्चन सारे करो आप संडे वाले, सारा टेस्ट आप लोगों को फिंगर टिप्स बनाना चाहिए विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन याद होने चाहिए। एक काम तो ये करना है, दूसरा काम बताता हूँ, 2023 का जो पेपर आया था, ठीक है, जेई मेंस का, उसको उठाओ सॉल्यूशन के साथ, उसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। है किसी के पास जेई मेंस का पेपर? सर है सर, नेट से निकाल रखे हैं। चलो ठीक है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना, सिंपल। वो तो कर सकते हो सर, केमिस्ट्री का जो 2023 पेपर हुआ था ना, उसमें मतलब 7-8 चैप्टर डिलीटेड वाले, तो उससे भी काफी क्वेश्चंस है, तो हो सकता है कोई सर, जैसे सॉल्ट एनालिसिस उसके भी मतलब बहुत सारे मिल गए थे क्वेश्चन सर, ये तो फिर मेटलर्जी वगैरह के क्वेश्चन भी डाल सकते हो। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता हो तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो है इसमें यार, आंसर्स नहीं है क्या? डाउनलोड आंसर्स भी थे इसमें, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। जेई एडवांस, जेई एडवांस, अरे मेरे पास सारे एडवांस ही हैं, ठीक है। मैं एक साइट भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, उस साइट के ऊपर एडवांस के क्वेश्चन आंसर है, लेकिन उसी साइट पे थोड़ा लेफ्ट राइट आगे मत्था मारोगे, आपको मेंस के मिल जाएंगे। मैंने एक्चुअल में इसको सिर्फ एडवांस के नाम से शेयर कर रखा, ये लिंक आपको भेज रखा है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, एडवांस के सारे। मैं मेंस के क्वेश्चन ना देखता ही नहीं होता, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ठीक है। मेरा फोकस एडवांस पे रहता है, एडवांस में चार चार कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल रखे होते हैं, अगर आपने चार कॉन्सेप्ट कर लिए तो मेंस का तो कर ही लोगे आप सॉल्व। फिर भी कई बार मेंस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मना कर दो उसको, वो भी करना जरूरी होता है, बट हमने पहले कर रखा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, तो मेंस भी करना है एडवांस भी करना है। मैंने स्पेशली एडवांस के लिए इसको सेव कर रखा था, इस लिंक को, वो लिंक मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इसमें एडवांस के सारे क्वेश्चन विद देयर आंसर्स, सबका सब इसके अंदर सॉल्यूशंस के साथ, याद रख लेना, ठीक है। तो आप लोग इसको सेव कर लो, जैसे भी सेव कर रहे हो अपने आप को व्हाट्सएप कर दो, वट एवर यू वांट, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। कर लिया सबने कॉपी? ठीक है, कर लिया सर। प्रणव बेटा क्या कह रहे हो? सर मेंस के ऊपर मिली नहीं रेस में, मेंस है ही नहीं मेरे को, मत सर जो मेरे को मिला, मेरे को पीडीएफ मिली है, वो भी फिटजी वाली ही है, और उस वो भी मतलब उसमें मेंस के है सर, मेंस है उसमें। अरे ये रे मेन सॉल्यूशन बेटा, इसी इसी साइड में खोलो यार, इसके अंदर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है। देखो अगर किसी ने साइट खोली है, साइट के अंदर लेफ्ट साइड में 8वें नंबर पर लिखा हुआ है, ऐसे मजाक मत किया करो यार आप लोग, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद में बात करते हैं।